नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण तंत्र के बारे में। वो सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है वो कौन सा है? तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र है यानी वो एक ऐसा तंत्र है जो शरीर के सभी तंत्रों का नियंत्रण करने का कार्य भी करता है। और उसके अंदर जो अंग आते हैं, वो शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग आते हैं उस तंत्र के अंदर, वो कौन कौन से? मस्तिष्क, मेरुरज्जु होते हैं शरीर के महत्वपूर्ण अंग है, वो तंत्रिका तंत्र के अंदर ही आते हैं। तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा है तंत्र है, कहने का मतलब अपन बात करें हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो तंत्रिका तंत्र शरीर का एक ऐसा तंत्र है जो शरीर है उस शरीर के संपूर्ण कार्य हैं, संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण और संचालन करते हैं और समन्वय करने का जो कार्य है, करने की जो जिम्मेदारी है, वो किसकी है? तंत्रिका तंत्र की है। शरीर के अंदर जितने भी कार्य हैं, जैसे मैं यहाँ आया, क्लास ले रहा हूँ, ये तंत्रिका तंत्र करवा रहा है। जैसे अपन खाना खा रहे हैं, तंत्रिका तंत्र का कोई भी कार्य है। यदि मैं, अब मान लो आप देख रहे हो वीडियो, ये भी तंत्रिका तंत्र का काम है। इस तंत्र के माध्यम से ही अपन क्या है, शरीर के अंदर जितने भी कार्य हैं, समन्वय है यानी आपस में जोड़ने का काम वगैरह, सब किसका है? तंत्रिका तंत्र का है। अगला अपन देखें दोस्तों, इस तंत्रिका तंत्र है, इस तंत्रिका तंत्र का अपन बात करें कि इसका अध्ययन होगा वो किस नाम से जाना जाएगा, तो अध्ययन है वो है न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है वो। और अब अगली बात करें अपन, इस तंत्रिका तंत्र की जो सूक्ष्म इकाई है, या मैं बात करूं क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई की बात करूं, तो वो इकाई है वो कौन सी है? न्यूरॉन है। यार इसकी मान लो ये कोशिका है, कौन सी? तंत्रिका कोशिका। इस तंत्रिका कोशिका की मैं बात करूं दोस्तों, तो तंत्रिका कोशिका एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर, कोशिका के अंदर पुनरुद्भवन की क्रिया है वो नहीं पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र में जो कोशिका है, तंत्रिका कोशिका जिसमें अपन मस्तिष्क की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कहा जाता है तंत्रिका कोशिका, उसके अंदर अपन देखा जाए दोस्तों तो पुनरुद्भवन की क्रिया है वो नहीं पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है एक बार ये कोशिका क्षतिग्रस्त होगी तो दोबारा बनेगी नहीं। कुछ तंत्र ऐसे हैं जिसके अंदर पुनरुद्भवन की क्रियाएं पाई जाती हैं, तो एक बार कोशिका क्षतिग्रस्त होगी तो दोबारा बन जाएगी, यानी कहने का मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता है तंत्रिका तंत्र के अंदर। सबसे अधिक कोशिका विभाजन की बात करें तो वो होता है किसके? यकृत के अंदर। मान लो यकृत में अपने शॉट लग जाती हैं तो कुछ समय के बाद पुनः जो घाव है वो भर जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोशिकाओं के अंदर पुनरुद्भवन होता है, यानी कहने का मतलब कोशिका का विभाजन सर्वाधिक होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र के अंदर कोशिका का विभाजन नहीं होता है, न के बराबर होता है। तो ये तंत्रिका तंत्र के अंदर बात करें अपन, आगे देखते हैं तंत्रिका तंत्र को कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया है, इसका वर्गीकरण क्या है, यानी अपन बात करेंगे दोस्तों जो तंत्रिका तंत्र है उसका वर्गीकरण क्या है। तंत्रिका तंत्र का मैं वर्गीकरण की बात करूं, वर्गीकरण यानी इनको कितने भागों में विभाजित किया गया, किस प्रकार से विभाजित किया मैं बात करूं, तो तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः मैं बात करूं तो दोस्तों दो भागों के अंदर इसको विभाजित किया गया है। अब दो भागों के अंदर विभाजित किया गया, एक तो इसका भाग है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक इसका भाग है दोस्तों वो है प्रीद्ये तंत्रिका तंत्र।
यानी तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र है। आगे अपन बात करें दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके अंदर मुख्यतः कौन कौन से अंग आते हैं? तो इसके अंदर एक तो आता है दोस्तों ब्रेन अपना, मस्तिष्क, एक आता है दोस्तों मेरु रज्जु। दो भाग आते हैं किसके अंदर? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर मस्तिष्क मेरु रज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसको दोस्तों दो भागों में बांटा गया राजा, एक तो है कायिक तंत्रिका तंत्र, एक इसका भाग है दोस्तों वो है स्वाते तंत्रिका तंत्र। स्वाते तंत्रिका तंत्र है, इसके दो भाग हैं, एक तो है दोस्तों प्रा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक है दोस्तों अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। एक तो है प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दो भागों में बांटा गया है स्वाते तंत्रिका तंत्र। अब जैसे मान लो एनसीईआरटी के अनुसार तो इसको तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो कहीं पर आपको मिलेगा तंत्रिका तंत्र के ये कायिक तंत्रिका इस तंत्रिका तंत्र का भाग ले रखा है। कहीं पर आपको बताया होगा केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है वो तीन भागों में बांटा है, एक तो आपको बताया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक कायिक तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी ये मानती है कि तंत्रिका तंत्र है दोस्तों वो दो प्रकार का है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर अपन मस्तिष्क और मेरु रज्जु की बात करेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में अपन देखते हैं। अपन बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, अब अपने यहां पर तंत्रिकाएं इन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अपने विवरण से पढ़ेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मैंने बोल दिया कौन से भाग आते हैं, मस्तिष्क और मेरु रज्जु आते हैं। परिधीय के अंदर कुछ तंत्रिकाओं का समूह ही होता है, इसलिए उसको पहले अपन देख लेते हैं एक बार, फिर अपन वापिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, मस्तिष्क और मेरु रज्जु के अंदर भी बात करेंगे। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर अपन बात करो तो ये क्या होता है, तंत्रिकाओं का समूह होता है। इनका काम होता है, यानी उसके अंदर कुछ तंत्रिकाएं होती है, उनका काम होता है सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम होता है। इसमें मैं बात करूं दोस्तों, इसमें दो प्रकार की क्या होती हैं, दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की इसके अंदर क्या है, तंत्रिकाएं पाई जाती है। अब दो कौन कौन सी, एक इसके अंदर है वो है कपालीय तंत्रिकाएं, एक इसके अंदर है वो है मेरु तंत्रिकाएं भी कह सकते हैं। दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिका मैंने कहा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एक तो मस्तिष्क और एक मेरु रज्जु आता है, वहां से जुड़ी होती है। यानी मैं सिंपल सी बात कहूँ आपको, जैसे मान लो अपना ये क्या है, खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर होता है मस्तिष्क, आगे पढ़ेंगे, और मस्तिष्क इस प्रकार से पीछे की ओर जुड़ा होता है किसे, मेरु रज्जु से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दो भाग आएंगे, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। जो ये मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के अंदर अपन बात करें दोस्तों
तो मस्तिष्क के अंदर जो तंत्रिकाओं का समूह होता है, इन तंत्रिका इन मस्तिष्क के अंदर जो तंत्रिकाएं होती है, इन तंत्रिकाओं को कहा जाता है कपालीय तंत्रिका। और इन इसके अंदर जो तंत्रिकाएं जुड़ी होगी मेरु रज्जु के अंदर, उसे कहा जाता है मेरु तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं कहा जाता है दोस्तों। अब इनका काम क्या होता है, जो अपना शरीर है, जैसे मान लो ये शरीर है, इस शरीर की बाहरी भाग है जिसे अपन क्या कहते हैं, शरीर मान लो संपूर्ण शरीर का जो बाहरी भाग है इसे अपन कहते हैं परिधि। क्या कहा जाता है दोस्तों, परिधि। अब परिधि को, शरीर की परिधि को किससे जोड़ना, मस्तिष्क से जोड़ने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं हैं सारी की सारी तंत्रिकाएं कौन सी तंत्रिका कहलाती हैं, कपालीय तंत्रिकाएं कहती हैं, कहलाती हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि शरीर की परिधि को मस्तिष्क से जोड़ने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, कपालीय तंत्रिका कहलाती है। यानी शरीर की जो परिधि है उसको परिधि यानी बाहें तवसा, इसको मस्तिष्क तक जोड़ने वाली सारी की सारी तंत्रिकाएं क्या हैं, कौन सी तंत्रिकाएं कहलाएगी, कपालीय तंत्रिकाएं कहलाती हैं। ये कपालीय तंत्रिका हैं, इनकी संख्या पूछी जाती है मुख्यतः, बाकी परिभाषा नहीं पूछी जाती दोस्तों। संख्या है ये कपालीय तंत्रिका है, ये 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है दोस्तों, 12 जोड़ी। कपालीय तंत्रिका तंत्रिकाओं का जो समूह है वो कितने जोड़ी है, 12 जोड़ी है। आगे अपन बात करते हैं कौन सी, मेरु तंत्रिकाएं अगली अपनी है, वो कौन सी है, मेरु तंत्रिकाएं, दो नंबर पे मेरु तंत्रिकाएं। अभी मैंने बताया था मेरु तंत्रिकाओं का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेरु तंत्रिकाओं का मतलब होता है, मैं सिंपल से बताऊं कि शरीर की परिधि को मेरु रज्जु से जोड़ने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहा जाता है, मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। मेरु रज्जु से यानी या मेरु रज्जु से जो तंत्रिकाएं जुड़ी होगी, परिधि और मेरु रज्जु से शरीर के भाग अन्य अंगों से और मेरु रज्जु से जो तंत्रिका जोड़ने का काम करती है वो कौन सी तंत्रिकाएं कहलाती है दोस्तों, मेरु तंत्रिकाएं कहलाती है। ये इसकी भी दोस्तों संख्या पूछी जाती है कि इसकी संख्या है वो कितनी है, तो ये 31 जोड़ी होती है। आपसे पूछी जाए मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है, 31 जोड़ी। कपालीय तंत्रिकाएं होती है वो कितनी होती हैं, 12 जोड़ी। कपालीय तंत्रिका शरीर की परिधि को कपाल यानी मस्तिष्क से जोड़ती हैं और परिधीय तंत्रिकाएं शरीर की परिधि को मेरु रज्जु से जोड़ने का काम करती है। ये थे किसके, दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में, दो प्रकार की क्या है, परिधीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों, अगली बात करें, ध्यान रखना, परिधीय तंत्रिका तंत्र में, मैं बात करूं परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाएं दो रूपों में पाई जाती है। तंत्रिकाएं दो रूपों में पाई जाती है। अब देखो पाई जाती हैं,
यहाँ पर आगे मैंने लिखा था कि इसके अंदर तंत्रिका तंत्र है उसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, कपालीय तंत्रिकाएं, मेरुरुचु तंत्रिकाएं। यहाँ मैंने लिखा परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाएं दो रूपों में पाई जाती है, वहाँ दो प्रकार की या दो रूपों में, प्रकार में कपालीय तंत्रिका तंत्र और मेरुरुचु तंत्रिका तंत्र। और यहाँ पर तंत्रिकाओं के रूप की बात हो रही है, तो तंत्रिकाओं के रूप के अंदर अपन देखें दोस्तों तो दो रूप है, एक तो कौन सी है अभिवाही तंत्रिका, या इसे अपन कहते हैं स्वेदी तंत्रिका। एक इसका प्रकार है वो है अफवाही तंत्रिका, या इसे कहते हैं चालक, या इसे कहा जाता है प्रेरक तंत्रिका। कितने प्रकार की, कितने रूप है तंत्रिकाओं के परिधीय के अंदर, दो, अभिवाही अपवाही या स्वेदी प्रेरक या चालक। अब इनका काम क्या होता है अपन देखते हैं दोस्तों, ये काम क्या करती हैं, इसका काम होता है जो अपने जो सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं या संदेशों को कहाँ पहुंचना, शरीर की परिधि से मस्तिष्क तक, शरीर की परिधि से मस्तिष्क तक लाने का काम किसका होता है, अभिवाही का। अपवाही का काम होता है जो संदेश हैं, संदेश कैसे मैं बताऊंगा, संदेशों को मस्तिष्क से शरीर की परिधि तक ले जाना किसका काम होता है, मस्तिष्क तक लाना अभिवाही, ले जाना अपवाही। अब ये संदेश कैसे होते हैं, इधर देखो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ मान लो, अब जैसे किसी ने विषित जहरीले जीव ने काट लिया, मैं हाथ को उठा लूँगा, तो जैसे जीव ने यहाँ काटा, किसी कीट ने काटा, तो काटने पर यहाँ से जो सूचना होगी वो कहाँ जाएगी, या तो मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक जाएगी। जरूरी नहीं है मस्तिष्क तक जाए, मेरुरज्जु से ही आ सकती है, मस्तिष्क से भी आ सकती है। तो ये सूचना को ले जाने का काम किया है वो कौन सी तंत्रिकाएं हैं, अभिवाही तंत्रिका है। और मस्तिष्क ने कहा वापिस के हाथ को हटाओ, ये किसका काम है, अपवाही का है। ये शरीर की परिधि है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और किसी ने लाके गर्म वस्तु के, जैसे मान लो अपने मैं इधर देख रहा हूँ गर्म वस्तु के हाथ लगाया, अपना हाथ अपने आप हट जाता है। ये सारा का सारा काम होता है तंत्रिका तंत्र में भी परिधीय तंत्रिका तंत्र का। अब जैसे गर्म वस्तु के हाथ लगाया, यहाँ से ये सूचना मस्तिष्क तक पहुँची किसके माध्यम से, अभिवाही तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। और मस्तिष्क ने उत्तर दिया, उनको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, अपवाही का। मैं एक आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो अपना क्या है, ये मान लो मस्तिष्क है, ये इस प्रकार से भाग बना लेता, बाहर की ओर क्या होता है इसके ऊपर ये आवरण होता है, आगे चित्र बना के समझाएंगे। मस्तिष्क होता है पीछे इस प्रकार से जुड़ा होता है, ये मेरुरज्जु वाले भाग से, मेरुरज्जु होता है मेरुदंड के अंदर का भाग होता है खोखला, ये तो भाग है अपने पास, वो क्या है दोस्तों मस्तिष्क है, ये भाग है अपने पास क्या है मेरु
रज्जु हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो अपने, मान लो यहाँ हाथ हैं, मान लो हाथ के किसी ने क्या किया, कोई कीट ने काट लिया, कीट ने डंक मार लिया मान लो, तो यहाँ डंक मारने पर यहाँ से क्या है, कुछ सूचना ही जाएगी, यहाँ से कुछ सूचना ही निकलेगी, संदेश निकलेंगे, कुछ संदेश जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, मस्तिष्क तक, या संदेश कहाँ जाएंगे, मेरुरज्जु तक। संदेश होंगे वो दो स्थान पर जाएंगे, या तो मेरुरज्जु या मस्तिष्क। कहने का मतलब, जो अपने शरीर के अंदर घटनाओं का संदेश होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास जाता है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो दो प्रकार की होती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अंदर विभक्त रहती है। तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से ये संदेश ले जाने का काम किया जाता है, संदेशों को ले जाने का, वो किसके द्वारा होता है, स्वेदी तंत्रिकाएं, स्वेदी या अपन कहते हैं अभी वाही तंत्रिका होती है, ये संदेश को शरीर की, ये मान लो यहाँ शरीर के बाहरी अंग, यानी इसको मान लो शरीर की परिधि, यहाँ से संदेश मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक ले जाने का काम स्वेदी कर ले, स्वेदी तंत्रिका है। अब मान लो पुनः यहाँ से क्या आएगा, अपने पास संदेश आएगा कि आपको हाथ को क्या है, हटाना है, मेरुरज्जु भेजें या मस्तिष्क भेजे, इन संदेशों को मेरुरज्जु या मस्तिष्क से शरीर की परिधि तक लाने का जो काम होता है दोस्तों, वो किसका होता है, प्रेरक तंत्रिकाओं का, किसका होता है दोस्तों, प्रेरक तंत्रिकाओं का, या अपन कह सकते हैं अफवाही तंत्रिकाओं का काम होता है, शरीर के मस्तिष्क से मेरुरज्जु से संदेशों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम इसका होता है, इसका प्रेरक ले जाने का काम अभिवाही का होता है। यहां से प्रश्न बनता है कि शरीर की परिधि से संदेशों को या सूचनाओं को मस्तिष्क तक तो पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, स्वेदी तंत्रिका, अभिवाही, और लाने वाले को प्रेरक। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, कपालीय तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं तंत्र। कपालीय 12 जोड़ी, मेरुरज्जु 31 जोड़ी। परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो रूप हैं, एक स्वेदी और एक प्रेरक, ध्यान रखना। और परिधीय तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में विभक्त रहता है। आगे अपन बात करें, थोड़े ध्यान रखना, रूप, प्रकार और एक परिधि, परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रकार की बात करें दोस्तों, प्रकार भी कितने हैं, दो। प्रकार भी कितने हैं, दो। परिधीय तंत्रिका तंत्रिका भी कितनी है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाएं दो, कपालीय मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो रूपों में तंत्रिका होती हैं, स्वेदी प्रेरक। परिधीय तंत्रिका तंत्र भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, दो अपने भाग पड़ेंगे दोस्तों। एक इसका भाग है, वो है कायिक तंत्रिका तंत्र, एक इसका भाग है दोस्तों वो है स्वाते तंत्रिका तंत्र। कितने भाग हो गए, दो भाग। ये जो कायिक तंत्रिका तंत्र वाला भाग है दोस्तों, इनका कार्य होता है ऐसी शरीर की ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण करना, जैसे चलना, दौड़ना, हंसना, ये सब क्या है, ऐसी क्रिया है, मैं लिख रहा हूं ऐसी क्रिया है। इन पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र का होता है। किसका होता है दोस्तों, कायिक तंत्रिका तंत्र का। इस पर क्या होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। इसकी मैं बात करूं तो इनमें कौन सी आती है,
अनैसी क्रियाएं आती है, इसके अंदर आती हैं अनैसिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण वो किसका होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का होता है। ऐसी क्रियाओं पर नियंत्रण की बात करें दोस्तों वो तो किसका, तो इनकी मतलब अनैसी क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। जितने भी शरीर के अनैसी क्रियाओं के भाग होते हैं उन पर नियंत्रण होता है वो किसका होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का दोस्तों। और ऐसी क्रियाओं वाले भाग पर नियंत्रण किसका होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र का। अब देखो इसके अंदर मैंने बताया था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक होता है दोस्तों परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यानी तंत्रिका तंत्र है कौन सी स्वायत्त है, इसके दो भाग है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। और ये किसके भाग है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है शरीर के अनैसी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। अनैसी क्रिया जैसे हृदय का धड़कना, अब नियंत्रण में क्या होगा, इसका नियंत्रण मतलब ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए, इस पर नियंत्रण करने का काम होता है वो इनका होता है। अब इनके दो प्रकार है, एक तो क्या होगा यदि उनकी दरें बढ़ जाती है, जैसे हृदय की धड़कन की दर है, श्वसन दर है बढ़ जाती है, उन बढ़ने कम करने के लिए प्रयुक्त होता है। और एक होता है किसको बढ़ाने के लिए, एक तो कम करने के लिए एक बढ़ाने के लिए। अब मैं पहले बात करूँ अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य की बात करूँ मैं, इसका कार्य क्या होता है, इसका काम होता है बढ़ाना, जो क्रियाएं हैं अनैसी क्रियाएं हैं उनको बढ़ाना, किसका काम होता है दोस्तों अनुकंपी का। और उसको कम करने का काम होता है वो दोस्तों किसका होता है, प्राणुकंपी का। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आगे लेता हूं, जैसे बात करें दोस्तों उदाहरण के रूप में, जैसे हृदय की धड़कन का बढ़ना किसका काम होता है, अनुकंपी। अनुकंपी हृदय की धड़कन को बढ़ाएगा, लेकिन प्राणुकंपी है ये हृदय की धड़कन को क्या करेगा, धड़कन को कम करेगा। ये बढ़ाने के लिए काम आता है, ये कम करने के लिए। अब मैं अगली बात करूं कि श्वसन दर में वृद्धि करने का कौन काम करेगा, अनुकंपी। और इसको कम करने का काम होगा, यानी श्वसन दर है उस श्वसन दर को कम करने का काम होगा वो किसका होगा, श्वसन दर में कमी किसकी होगी, कमी करने का काम कौन होगा, प्राणुकंपी। इसी प्रकार जैसे आंख की पुतली का फैलना किसका काम है, अनुकंपी का। पुतली के फैलाव को चिगुड़ना कम करना किसका काम है राजा, प्राणुकंपी का। इसी प्रकार जैसे लार ग्रंथियों के लार के स्त्राव में बढ़ना, पित्त स्त्राव का बढ़ना, ये सारे के सारे काम किसके हैं, अनुकंपी बढ़ाने का काम करती है। ये ज्यादा हो जाता है उसको नियंत्रण करने का काम, पित्त रस का नियंत्रण प्राणुकंपी, पाचन रस का स्त्राव में कमी प्राणुकंपी, ये काम करती है। मान लो इसमें से प्राणुकंपी कार्य नहीं करेगी, अनुकंपी करती रहेगी, तो अपने जैसे हृदय की धड़कन बढ़ेगी वो बढ़ती रहेगी, नियंत्रण कौन करेगा, तो नियंत्रण करने के लिए प्राणुकंपी होती है। जैसे मान लो श्वेत ग्रंथि से श्वेत रक्त, श्वेत ग्रंथियों से श्वेत पदार्थ का निकलना बढ़ाने का काम अनुकंपी है, और कम करने का काम किसका है, प्राणुकंपी का काम है। दोनों विपरीत का अनैसी क्रियाओं पर नियंत्रण का काम अपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को पढ़ा था, लेकिन ये दो प्रकार है, एक अनुकंपी और एक प्राणुकंपी। अनुकंपी का काम होता है बढ़ाना, प्राणुकंपी का काम होता है कम करना।
ये दोनों दोस्तों विपरीत चलती हैं, लेकिन है अनैसी क्रियाओं पर नियंत्रण करने का काम करती है। तो ये अपने आज का अध्ययन किया कि तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं। दो भाग थे, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय को अपन ने बांटा था, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वत्य, स्वत्य को प्राणुकंपी और अनुकंपी। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, दो ही तंत्रिका तंत्र के दो ही भाग होते हैं, केंद्रीय और परिधीय। कहीं आपको तीन मिलेंगे वो गलत हैं, आप एनसीईआरटी के अनुसार ये दो सही हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार हो सकता है तीन हैं, लेकिन अपन एनसीईआरटी को मानेंगे एग्जाम के अंदर राइट वो होगा। तो एनसीईआरटी के अनुसार कितने हैं दोस्तों, दो ही है। और फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाएं का प्रकार है वो कितने हैं, दो। कपालीय तंत्रिकाएं जो 12 जोड़ी, मेरुरज्जु कितनी है, 31 जोड़ी। कितने परिधीय तंत्रिका तंत्र के रूप हैं, स्वेदी या अभिवाही, और दूसरा है प्रेरक या अपवाही। परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रकार कितने हैं, दो, कायिक और स्वेदी। तो कल अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, जो मस्तिष्क वगैरह मेरुरज्जु है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।